हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल महक रेसिपीज। ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। तो आज हम बनाएंगे पालक और प्याज के गोल गोल पकोड़े डिफरेंट स्टाइल में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लें। पहले बनाएंगे पालक के पकौड़े। तो चलिए इन्ग्रीडियंट्स देखते हैं। पालक के पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप पालक बहुत अच्छे से साफ करके धो के कट कर ली है। और मैंने लिया है यहाँ पर फ्रेश धनिया, ड्राइड कसूरी मेथी, आपके पास फ्रेश मेथी लीव्स हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। और नमक लेंगे इसमें, रेड चिल्ली पाउडर लेंगे स्पाइसी वाली, और ये वाइट प्याज लिया है मैंने, और 1 कप बेसन लिया है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेनी है, अदरक ग्रेट किया हुआ है, आप इसकी जगह अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं, और हमें चाहिए अजवाइन। तो चलिए पकोड़े के लिए बैटर तैयार करते हैं। पहले पालक में धनिया डाल देंगे, अदरक डाल देंगे कसी हुई, और हरी मिर्च डाल देंगे, कसूरी मेथी डाल देंगे, और अजवाइन को क्रश करके डालेंगे, प्याज डाल देंगे, आप रेड प्याज भी इसकी जगह ले सकते हो, रेड चिली पाउडर भी डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। पालक में नमक भी होता है तो इसलिए नमक आप कम ही डालें इसमें अपने हिसाब से। तो अब डालेंगे इसमें बेसन, और इसमें पानी नहीं डालेंगे हम, क्योंकि स्पिनच में पालक में अपना ही पानी होता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी ऐड कर भी सकते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अभी 1/2 कप बेसन डाला है मैंने, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब ये बाकी का बेसन भी मिला रही हूँ इसमें। तो ये देखिए बेसन बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, और आपने नोटिस किया होगा कि एक बूंद पानी भी इसमें नहीं डला है। बस इतना कंसिस्टेंसी आपको रखनी ही है जिससे कि बॉल्स इजीली बन जाएं। तो अब इसकी बॉल्स बनाएंगे। नींबू के साइज़ के जितनी इसकी बॉल्स बना लें। ये देखिए इस तरह से। तो पहले सारी बॉल्स बना लेते हैं। बहुत ही हल्के हाथों से इसे शेप देंगे, ज़ोर से प्रेस नहीं करना है। तो ये देखिए सारे बॉल्स बन गए हैं, अब इन्हें फ्राई करेंगे। और तेल को मैंने गरम करने के लिए पहले ही रख दिया था, और तेल अब मीडियम गरम है। पकोड़े बनाने के लिए तेल बिल्कुल भी हाई गरम नहीं होना चाहिए। अब इसमें पालक के पकोड़े फ्राई करेंगे। तो ये देखिए पकोड़े फ्राई हो गए हैं, इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे।
अब बनाएंगे प्याज के पकोड़े। और इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक मीडियम साइज प्याज, इसे लंबा काट लिया है। और इसमें हमें चाहिए अजवाइन, रेड चिली पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और ग्रेटेड अदरक लेना है। अदरक का पेस्ट भी इसकी जगह ले सकते हैं। और हमें चाहिए बेसन। प्याज में पहले मसाले डाल देते हैं और अजवाइन भी क्रश करके डाल देंगे, रेड चिली पाउडर डाल दें, नमक डाल दें, हरी मिर्च डाल दें, अदरक भी डाल दें। और अब बेसन डालेंगे। पहले मैं हाफ बेसन डाल के मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद बाकी का डालूंगी। और प्याज को अच्छे से मसलना है जिससे कि प्याज के जो पीसेस हैं वो अलग अलग हो जाएं। ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं और प्याज भी अलग अलग हो गए हैं। अब इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा और अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही मिक्स करें। ये देखिए मैंने अच्छे से इसे मसल मसल कर मिक्स कर लिया है और बैटर रेडी है। आप देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विडी नहीं है। अब पालक की तरह ही प्याज के भी बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से बॉल्स बना लेनी है। सारी बॉल्स बना लेंगे, टाइटली नहीं दबाएंगे, बहुत हल्के हाथों से ही प्रेस करेंगे। ये देखिए बॉल बन गई है। अब इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तेल ऑलरेडी गरम है, मीडियम गरम ही है। अब प्याज के पकोड़े फ्राई करेंगे। प्याज के पकोड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इन्हें भी टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। तो ये देखिए तैयार है पालक और प्याज के गोल गोल मज़ेदार पकोड़े। इसे गरम गरम सर्व करें हरी चटनी या सॉस के साथ। पकोड़े की ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।